हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो अगला टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो मेरे पिछले वीडियो हैं वो देख लिए हैं। आप पहले मेरे पिछले वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। तो शुरू करते हैं, आज हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस बिटवीन difference between mass and charge. Difference between mass and charge. Now इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं चार्ज और इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं मास। तो जो आपका चार्ज है, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन कीजिए। चार्ज जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके कारण कि मैटर के अंदर फोर्स लगाने की कैपेसिटी आ जाती है या इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मैटर। एंड मास दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग ए बॉडी दैट इज कॉल्ड मास। नाउ चार्ज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी। But our mass, it is always positive. Charge always positive. Charge जो है it may be positive, it may be negative quantity, or charge is always positive. Charge हमेशा क्या होगा? Positive. Charge can be added like real numbers. Mass can also be added like real numbers. ये similarity है दोनों में। Mass can also be added like real numbers. Mass is always positive. Charge is positive or negative हो सकता है। चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, मास आल्सो बी एडेड लाइक रियल नंबर्स। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड एंड इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। तो ये मैं आपको बता चुका हूं क्वांटाइजेशन क्या होता है। चार्ज मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई है, फिर 2e है, फिर 3e है, फिर 4e है। तो चार्ज हमें पैकेट्स में मिलेगा, डिस्क्रीट पैकेट्स में, बल्कि मास कंटिन्यूअस है। मास कैसा है? कंटिन्यूअस क्वांटिटी, मास इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन। व्हाट डज मीन कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट चार्ज जो है उसको मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मास, मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी वेरी विद वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं आप लोग। मास ऑफ ए बॉडी वेरी विद वेलोसिटी या स्पीड। तो ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि हमारे पास रिलेटिवली रिलेशन है m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का अंडर रूट। एज यू नो, अगर इट इज कॉल्ड काइनेटिक मास, इट इज कॉल्ड रेस्ट मास, जिसको बॉडी उसका रेस्ट मास है, अगर वो मूव करेगी तो उसका मास m हो जाएगा। अगर कोई वेलोसिटी हमने यहां पे अप्लाई की तो वेलोसिटी अपॉन c स्क्वायर, c एज यू नो इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So if b and c, c b is very smaller than that of c, then it is this 1 minus something. If there is a 1 minus something, then what we can say, that m is equal to, m is always greater than
एम नॉट मीन्स मास बढ़ेगा, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा वेलोसिटी के साथ। तो मास इनवेरिएंट नहीं है बल्कि चार्ज इनवेरिएंट है, मीन चार्ज को मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास ऑफ द बॉडी वेरी विद वेलोसिटी, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हम लोग दौड़ लगाते हैं तो हमारे मास को फर्क पड़ता है, हाँ जी पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है क्योंकि ये लगभग ये बहुत कम हो जाता है तो जीरो के बराबर हो जाता है, तो वन माइनस जीरो वन ही रह जाएगा और एम इज इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। तो इसलिए जो मास है इट विल वेरी विद द वेलोसिटी, सपोज बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी, नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज यू नो, बट सपोज इट इज नियर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन एम बिकम इक्वल टू एम नॉट अपॉन जीरो, हाउ बी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, यू विल गॉट इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मास ऑफ द बॉडी वेरी विद द वेलोसिटी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बट द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, नेट चार्ज, विदाउट नेट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज बट चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, अगर मास होगा तभी चार्ज होगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि अगर मास होगा तो उसके ऊपर चार्ज होना जरूरी है, लाजमी है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज, दैट इज इट कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज आल्सो। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो वी विल डू चार्ज इज इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है, मास जो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, मास आल्सो कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल चार्ज एट मोशन, मीन चार्ज इज इनवेरिएंट, मास ऑफ द बॉडी वेरी विद वेलोसिटी, मीन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और एज वेल एज रिपल्सिव, बट द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट हियर, बट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू राइट दीज पॉइंट्स यू विल गॉट द मार्क्स। नाउ वी विल गो टू कूलम्स लॉ, नाउ वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ। हैव यू हियर्ड अबाउट ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो व्हाट इज अ सिमिलर लॉ, देयर इज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स हैव गिवन दिस लॉ, दैट्स व्हाई द नेम इज कूलम्स लॉ। इफ आई विल रिकैप्चुलेट यू, वी नो दैट इफ देयर आर टू मासेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट एज यू नो तो विद द डिस्टेंस आर, देन द न्यूटन हैव गिवन ग्रेविटेशन लॉ दैट इज सपोज दिस इज मास एम वन दिस इज मास एम टू दैट इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। Similar law here, we are going to discuss Coulomb's law, कि suppose हमारे पास दो charges हैं, ये एक plus charge है, इसको हम बोलेंगे point charge, क्या बोलेंगे इसको, point charge। अब ये जो point charge है ये एक hypothetical concept है कि चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज कब होगा, एक्चुअल में जब हम इसे पॉइंट मानेंगे, पॉइंट पॉइंट कैसे मानेंगे, जैसे चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसको पॉइंट मानते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, सबसे कम क्वांटिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पास होगी। तो ये पॉइंट मींस लगभग जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है उसके रेडियस के बराबर इसका ये होगा, तो हम इसको पॉइंट चार्ज बोल देंगे, दिस इज पॉइंट चार्ज। नाउ सपोज दिस चार्ज इज क्यू वन, दिस चार्ज इज क्यू टू,
एंड हेयर सेंटर ऑफ डिस्चार्ज दिस सेंटर ऑफ डिस्चार्ज दिस बोथ आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ आर. दोनों के बीच में डिस्टेंस सेपरेशन कितना है? आर है. नाउ वी हैव अनदर केस. वी शुड हैव नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी देयर. देयर आर टू चार्ज, देयर नेगेटिव एंड नेगेटिव. देयर मे बी ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. Now, in all cases, the separation distance is r, and this is q1, this is q2, this is q1, this is q2. Now, what will happen? This charge exert force on this charge, and this charge exert force on this charge. This charge exert on force on this charge. There is a repulsion. There is a repulsion because like charges, they will repel each other. Like charges, they will repel each other. Here, they will attract each other. So what will happen? This charge exerts, see, this charge exerts force on this charge. We can say this force as F21. Why we can say F21? Because force on 2 due to 1. And what about this? This is F12. Force on 1 due to 2. ये एक दूसरे के ऊपर force लगाएंगे, repulsive force लगाएंगे. और ये जो force लगेगी, it will act along line joining the two charges. इस लाइन की, ऐसा नहीं कि ये चार्ज इधर को चला जाएगा, ये इस तरफ को चला जाएगा. नो, ये इसी लाइन में आगे को जाएगा. सेंट्रल फोर्स है ये, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. इस केस में भी क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. इस केस को देखें तो इस केस में फोर्स लगेगी, लेकिन फोर्स कैसे लगेगी? फोर्स कहां को लगेगी? अंदर को लगेगी, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव. दिस इज अट्रैक्टिव. नाउ यू कैन टेक एनी केस, एनी वन ऑफ केस वी कैन टेक हियर. हियर इज अट्रैक्शन. And in these two both cases, here is repulsion. Then Coulomb says ki the force of attraction or repulsion, first of all we will define this, the magnitude of force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. What is our Coulomb's law? The magnitude of force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. And this force always x along line joining the two charges. This is our Coulomb's law. Means this force always act along the line joining the two charge. Line joining means is ये जो line join इस तरफ act करेगा, ये charge इधर को जाएगा. ऐसे नहीं कि charge ऐसे ऊपर को चला गया, इधर को चला गया, इधर को, ऐसे नहीं जाएगा. This force act along the line joining the two charges. Now the magnitude, why the word magnitude? Because it is a vector quantity. Force is a vector quantity, but we are taking here the magnitude of force. So suppose we will take the magnitude of force that F. F is the force that acts between these two charges. Suppose I will say this as F, I will say this as F. This is F, both are equal होंगी. जितनी force ये इसके ऊपर लगाएगा, उतनी force ये इसके ऊपर लगाएगा. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर force लगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? Repel करेंगे.
ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे अपनी तरफ को खींचेंगे, खींचेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। यहां अट्रैक्शन होगी, यहां पर रिपल्शन होगी, यहां पर रिपल्शन होगी, यहां पर अट्रैक्शन होगी। तो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू वन इंटू क्यू टू। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इफ द चार्जेस इंक्रीजेस देन द फोर्स विल इंक्रीजेस, इफ चार्जेस डिक्रीजेस देन द फोर्स विल डिक्रीज। इसका मतलब अगर चार्ज कोई चार्ज बढ़ा दिए जाए तो फोर्स बढ़ जाएगी, चार्ज कम कर दिए जाए तो फोर्स कम हो जाएगी। ये काम कूलम्स ने किया और उन्होंने जो अपरेटिस इसके लिए यूज किया वो किया टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस से क्या फाइंड आउट हुआ कि अगर हम इन चार्जेस को ट्वाइस कर देंगे, इसको भी ट्वाइस कर देंगे, सो ट्वाइस द फोर्स चार गुना बढ़ जाएगी, इसको तीन गुना कर देंगे, इसको तीन गुना कर देंगे, फोर्स नाइन टाइम बढ़ जाएगी। उसके बाद फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। मींस इफ आर इंक्रीजेस देन एफ डिक्रीजेस, इफ आर डिक्रीजेस देन एफ इंक्रीजेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मीन्स अगर आर बढ़ेगा तो F कम हो जाएगा, अगर R कम होगा तो F बढ़ जाएगा। मींस मान लीजिए कि क्या हुआ कि R जो था वो 2R हो गया, तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी अगर डिस्टेंस जो चार्जेस है वो सेम रहेंगे, तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी? इफ R बिकम इक्वल टू 2R देन द फोर्स विल डिक्रीजेस फोर टाइम्स, इट विल डिक्रीजेस बाय बिकॉज 2R का स्क्वायर देन इट इज अ 4, इट इज 4 हो जाएगा। अगर R इज इक्वल टू आर बाई टू हो गया और मान लीजिए चार्जेस सेम रहे तो क्या होगा, जो फोर्स है वो चार गुना बढ़ जाएगी, चार गुना बढ़ जाएगी। नाउ हम इसको कंबाइन करते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द नाउ यू नो इफ अगर हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो हमें यहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। और दिस इन दिस केस, दिस के इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। यू कैन आल्सो से इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। दिस इज के। नाउ एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। You will got see. This is our now statement of our Coulomb's law ka mathematical statement hai ye. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Ye jo K hai, the value of K it will depends number first the K depends upon नंबर वन, के डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज, सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, एंड सेकेंडली इट विल डिपेंड अपॉन मीडियम कि चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। देखिए मीडियम क्या मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों को रहने के लिए एयर चाहिए तो हमारा मीडियम क्या हुआ रहने के लिए, एयर हुआ। फिश है, फिश को रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो उनका मीडियम क्या हुआ, वाटर हुआ। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पे चार्जेस रखे हैं तो ये चार्जेस किस में रखे हैं, एयर में रखे हैं, तो हमारे पास मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करेगा के का वैल्यू, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। मैं थोड़ा सा अगर देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए हमने आर को क्या कर दिया, आर बाई फोर कर दिया, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स इफ द चार्जेस रिमेन सेम, इफ द चार्जेस आर सेम देन द फोर्स, फोर्स बिकम दैट इज 16 टाइम्स, हाउ इट विल हैपन बिकॉज आर बाई फोर का होल स्क्वायर इट विल फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर मीन 16, तो फोर्स बिकम 16 टाइम्स, मतलब चार्जेस शुड रिमेन सेम एंड द डिस्टेंस विल डिक्रीजेस दैट इज आर बाई फोर कर दिया हमने, चार्जेस को ट्वाइस कर दिया, चार्जेस को ट्वाइस कर दिया, बट विल हैपन टू द फोर्स इट बिकम 4 टाइम्स, दोनों को ट्वाइस कर दिया, दोनों को ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस कर दिया इट बिकम 4
टाइम्स. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. तो दिस इज योर कूलम्स लॉ, दिस इज योर कूलम्स लॉ. नाउ वन थिंग आई वांट टू शो यू द दिस के इन एसआई सिस्टम K is equal to 1 upon 4 pi epsilon. इसको ये नया वर्ड आप लोगों के लिए है. epsilon वर्ड रिजर्व हो गया. epsilon it means small e की तरह लिखना है इसको. epsilon बोलते हैं इसको. epsilon. epsilon भी बोलते हैं. epsilon भी बोलते हैं. epsilon वर्ड हम लोग इसको यूज करते हैं. epsilon. तो K is equal to 1 upon 4 pi epsilon. तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज पड़ा था, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज पड़ा था. मान लीजिए यहाँ पे कोई बीच में मीडियम है, कोई मीडियम है, जस्ट सपोज करिए इसके बीच में है, हम लोगों ने इसको रखा हुआ है ग्लास के बीच में. किसके बीच में? इसके बीच में मीडियम कौन सा है? ग्लास है. ग्लिसरीन है, वाटर है. मान लीजिए वाटर ले लेते हैं आपके लिए, ये होगा वाटर के बीच में इनको रख दिया. एयर में भी रखते हैं, एयर भी मीडियम है. तो हमने चार्जेस को वाटर के बीच में रखा हुआ है. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? FM means force in medium. FM means force in medium, any medium. आप यहां FW भी लिखते हैं वाटर के लिए, पर अगर आप मीडियम लिखे तो मच बेटर रहेगा. FM is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Now what this epsilon, this is called permittivity of medium. What is called permittivity of medium. We will explain it. इसको बाद में explain करते हैं. तो FM is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. अगर हमने इसी चार्ज को एयर में रखते हैं, हम लोग किस में रखते हैं? एयर में. तो हम लिखते हैं F naught. क्यों लिखा? F naught फॉर एयर. आप A भी लिखते हैं यहां पे, नो प्रॉब्लम. F इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught आ जाएगा. epsilon naught Q1 Q2 upon R square. तो एप्सिलॉन नॉट है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर. एक ही बात है, चाहे आप वैक्यूम बोल लो, चाहे आप फ्री स्पेस बोलो, चाहे एयर बोल लीजिए. वैक्यूम, फ्री, एज यू नो वैक्यूम, देयर इज नो एनी पार्टिकल, फ्री स्पेस वो ही हुआ. एयर, एयर क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में. तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर. अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूं आपको, परमिटिविटी क्या होती है. इस चीज को मैं क्लियर करूंगा. ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.854 इंटू टेरेस पावर माइनस 12. टेरेस पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2, ये इसके यूनिट्स रहेंगे. इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की कितनी परमिटिविटी होती है, दैट इज 8.854 इंटू टेरेस पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन वर्स मीटर माइनस 2. तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट इज द परमिटिविटी क्या होती है. तो हम लोग परमिटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं. परमिटिविटी, परमिटिविटी, यहां डबल टी लगा लीजिए, परमिटिविटी का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक चार्ज है,
यहाँ पर एक और चार्ज है और यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अब जब यहां पे वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स परमिट करेंगे, मैक्सिमम फोर्स परमिट करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच कोई मीडियम डाल दिया, इसको मीडियम में रख दिया, तो मीडियम क्या करेगा कि फोर्स को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मीन्स नेम तो परमिटिविटी है, परमिट करेगा, लेकिन काम तो उल्टा कर रहा है। उल्टा क्या कर रहा है कि जब हम मीडियम रख रहे हैं तो उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के लिए परमिट नहीं कर रहा है, मीन्स फोर्स कम हो जा रही है। जब हम चार्जेस को फ्री स्पेस में रखेंगे, एयर में रखेंगे वैक्यूम, तो मैक्सिमम फोर्स मीन्स जो एफ एयर होगी या फ्री स्पेस होगी, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस। लेकिन जैसे ही हम मीडियम में रखेंगे तो एफ एम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। किससे? एफ ए से, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो परमिटिविटी क्या करती है कि हमें पता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी चार्जेस से, क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है। तो ये थ्रेड्स की तरह होंगी, थ्रेड्स जैसे, थ्रेड्स होते हैं थ्रेड जैसे। तो क्या हो रहा है, जैसे ही ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो लाइन्स, मान लीजिए यहां पर 50 लाइनें निकली यहां से, ये मीडियम क्या करेगा, इसमें से 40 लाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर 40 लाइन एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां पर जो यहां पहुंचेंगी वो सिर्फ 10 ही पहुंचेंगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एयर होगी, फ्री स्पेस होगा, तो 50 दी तो 50 यहां पहुंचेंगी, तो उससे क्या होगा, जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये मीडियम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है किसको, इन जो यहां पे जो फील्ड है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यहां पे फोर्स लगाने को, इसको फोर्स जो लगेगी वो कम लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। मान लो हमने, जैसे हमने यहां पे वाटर ले लिया, अगर और मीडियम ले लिया तो वो मीडियम ऐसा होता है कि यहां से 100 लाइन निकल रही थी, उसने क्या किया, 80 लाइन अब्जॉर्ब कर ली, यहां पे कितनी पहुंची, यहां पर 20, तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो परमिटिविटी जो है क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स है मीडियम का जिसके कारण कि मीडियम जो है वो फोर्स जो है चार्जेस के बीच में उसको कम कर दे रहा है। इसका मतलब जब हम दो चार्जेस के बीच में मीडियम रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, उनके बीच में कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, ड्यू टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के कारण। इसका मतलब अगर परमिटिविटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ परमिटिविटी इंक्रीजेस देन द फोर्स डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। अगर परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। तो परमिटिविटी का एक हम छोटा सा डेफिनेशन यहां पे मैं आपको देता हूं। परमिटिविटी इज एन इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम ड्यू टू बीच इट एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ चार्ज due to which force is applied on another body। क्या कर रहा है ये, permittivity is an electrical characteristics of a medium due to which it absorbs the effect of charge due to which force is applied on another body। Means, या another charge लिखते हैं आप,
यहां पर हमने क्या किया, यहां से हमारी मान लीजिए फोर्स ज्यादा गई तो क्या हुआ, इसने क्या किया, उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, फोर्स एब्जॉर्ब हो गई, यहां पे कम फोर्स पहुंची तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगी, कम। रेसिप्रोकल कर लीजिए, यहां से हमारे पास ज्यादा फोर्स आएगी, यहां पहुंचेगी तो कम पहुंचेगी, कम पहुंची तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। मीन्स नाम परमिटिविटी है, परमिट करना है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, उल्टा काम हो रहा है कि अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दिस इज योर परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। अगर यही परमिटिविटी अगर हम बात करें, परमिटिविटी आई थिंक यू, आई होप यू विल गॉट अंडरस्टैंड द परमिटिविटी। नाउ अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के लिए हम इसका नाम रख देंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसको बोल देंगे एप्साइलन नॉट, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसको, एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड इट्स वैल्यू आई हैव गिवन यू, दैट इज 8.854 इनटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन वर्स मीटर माइनस 2, ये यूनिट रहेगा एप्सिलॉन नॉट का। दिस इज योर एप्सिलॉन, दिस द परमिटिविटी, दिस द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दिस द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बट द लीस्ट, दिस द लीस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, लीस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, सबसे कम वैल्यू है ये किसकी, परमिटिविटी की। कोई और मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे मैं बात करूं कि परमिटिविटी ऑफ, अगर हम बात करें परमिटिविटी की कि परमिटिविटी ऑफ ग्लिसरीन कितनी है, वाटर की परमिटिविटी कितनी है, तो वो अलग अलग होगी। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो वाटर की परमिटिविटी होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 इंटू 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 होगी, इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिससे कि इसको हम बेस मान लें और इसके मल्टीपल्स में हमें परमिटिविटी मिल जाए, उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, किस नोट करेंगे, एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हमने रिलेट करना है रिलेट टू एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से उसको रिलेट करना है। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक राम है, राम की एज है 2 years, अब मैंने बोला कि एक श्याम है, श्याम की एज राम की एज से 4 गुना है, तो बताइए व्हाट इज द एज ऑफ श्याम, आप बोलेंगे सर दैट इज 4 into 2 दैट इज 8। ओके, तो ये 4 क्या हो गया, एक रिलेटिव हो गया, हमने रिलेट किया, रिलेटिव एज कितनी हुई 4, और हमने क्या किया इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर फिर अभी भी नहीं बैठा है दिमाग में तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 10^3 किलोग्राम मीटर माइनस 3, इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हम लोग वाटर की डेंसिटी से दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे। सपोज करो मैंने बोल दिया रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास 13.6 है किसकी, मर्क्यूरी की,
तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी? मर्करी की डेंसिटी कितनी होगी? दैट इज मल्टीप्लाई विथ 10^3, क्योंकि नीचे कितना डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 10^3, तो बी कैन से 13.6 इंटू 10^3। इसका मतलब कि डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो वाटर की डेंसिटी से 13.6 ज्यादा है। तो हमने यहां पे इसका नाम रख दिया रिलेटिव डेंसिटी। क्या रख दिया? रिलेटिव डेंसिटी। इस तरह से हम लोगों ने यहां पे नाम रखा रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमने निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर मैं बात करूं F, या वी कैन सेट एज रिलेटिव परमिटिविटी एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लीजिए मेरे पास रिलेटिव परमिटिव फॉर एयर दैट इज 1.006, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर दिस इज फॉर एयर वैक्यूम के लिए 1 है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। एयर के लिए कितनी है? 1.006। आई विल से रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ग्लास, ग्लास की बात करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 or 4, ग्लास के लिए 3 to 4, इट मे बी 3 to 4। ग्लिसरीन, अलग अलग मीडियम की ग्लिसरीन के लिए 39, वाटर के लिए 80। इस तरह से और भी हैं, जैसे माइका के लिए, माइका रिलेटिव परमिटिविटी 7 to 10। तो इफ द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ग्लास इज 3, देन व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ ग्लास? मींस रिलेटिव परमिटिविटी 3 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन फॉर ग्लास? दैट इज 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मीन 3 इंटू 8.854 इंटू 10^-12। दिस द परमिटिविटी ऑफ ग्लास, ग्लास की परमिटिविटी निकल जाएगी। तो हम लोग रिलेट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, अगर हमें हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से, कि एप्सिलॉन नॉट से एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से किसी मीडियम की कितनी ज्यादा परमिटिविटी है वो हमें कौन बता देगा? रिलेटिव परमिटिविटी बता देगी। जैसे व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर? दैट इज 80। कितनी है? 80 है। तो हम लिख देंगे 80 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज एप्सिलॉन? इक्वल टू 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ किसकी? वाटर की। तो वी हैव रिलेटेड इट, व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसको निकाल के देखते हैं। देखिए अभी सपोज करिए कि मेरे पास जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम क्या होगी? फोर्स इन मीडियम दैट इज 1/4 pi एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आई कैन राइट इट एज, सी व्हाट इज एप्सिलॉन? इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो हाउ कैन आई राइट हियर? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ आई विल राइट इट फॉर एयर, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके नाउ बट वी कैन से डिवाइड 2/1, यू विल गॉट एफ ए डिवाइड बाई एफ एन दैट इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये भी कट गए, ये भी कट गए, सारे कट गए, ये भी कट गया, ये भी क्या बच गया? 1/ε, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन आर। देन व्हाट इज एप्सिलॉन आर? इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाय एफ एम। व्हाट डज इट मीन? फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन
मीडियम। तो हम एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस। यहां पे टू पॉइंट चार्जेस लिख लीजिए। तो द रेशियो ऑफ मींस व्हाट इज एप्सिलॉन आर, दिस इज एफ ए डिवाइडेड बाई एफ एम, एफ ए डिवाइड बाई एफ एम, एंड एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस द फोर्स इन मीडियम is equal to Fa divided by epsilon r। आप बोलेंगे सर कि भाई एयर, भाई वी विल टेक हियर एयर, एयर वी कैन से और वैक्यूम, ए की बात क्यों है, क्योंकि वैक्यूम का 1 है और इसका 1.0006 है, इसलिए हम लोग लगभग क्या मानते हैं, इन दोनों का epsilon r सेम है, लगभग दोनों का epsilon r क्या है, सेम है, इसलिए हम एयर की और इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। अदरवाइज तो एयर के अंदर भी थोड़ा सा फोर्स डिक्रीज होगा, एयर के अंदर भी डिक्रीज होगा, वैक्यूम और फ्री स्पेस में जो मैक्सिमम फोर्स होगा, लेकिन हम एयर, एयर ले लेते हैं तो एयर ले लेते, तो एयर, एयर इसके बराबर है, लगभग वैल्यू तो हम लोग ले लेंगे इसको। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज एफ इन एयर, इन एफ इन एयर, देन व्हाट इज द फोर्स इन वाटर, मीडियम क्या है वाटर में। तो यहां से देखिए हमारे पास सिंपल रिलेशन है, एफ एम मीन्स एफ एम किसके बराबर आ जाएगा, एफ डिवाइडेड एफ ए है, एयर के अंदर तो एफ ए डिवाइड बाई 80 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल न्यूमेरिकल कर जाएगा। इसका मतलब फोर्स क्या कर रही है हमारी, फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने एक बात आप बिल्कुल बांध लेनी है कि जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस में होती है, और जो अगर हम किसी मीडियम में चार्जेस को रख देंगे तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी। जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन में कितनी होगी बताइए, ग्लिसरीन में एफ ए डिवाइड बाई 39 हो जाएगी, माइका में कितनी हो जाएगी, माइका में क्या हो जाएगी, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाई 10 हो जाएगी। दिस इज माइका, दिस इज इन ग्लिसरीन, दिस इज द केस फॉर वाटर। तो फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस When we place the charges in another medium, तो अगर हम किस दूसरे मीडियम में चार्जेस को रखेंगे तो फोर्स हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हमें पता है F इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एफ ए Q1 Q2 upon R square। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा, Q1 Q2 upon
एफ आर स्क्वेयर, तो क्यू बन के यूनिट क्या होता है कूलम इंटू कूलम डिवाइड बाई एफ न्यूटन मीटर, उसके कूलम स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस टू। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिखते हैं, क्यू वन के लिए क्या होगा ए इंटू टी, क्यू टू के लिए क्या होगा ए इंटू टी, एफ के लिए क्या होगा एम एल टी माइनस टू, एम ए इंटू ए होता है, और आर के लिए क्या होगा एल स्क्वेयर होगा। तो आपके पास क्या आ गया ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइड बाई एम एल क्यू टी माइनस टू, यू विल गॉट एम ऊपर जाएगा एल माइनस थ्री और टी ऊपर जाएगा टू, तो टी की पावर फोर और ए स्क्वेयर, दिस द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। नाउ इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन अपॉन के, व्हाट इज दिस के, दिस इज कॉल्ड द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हम लोग इंसुलेटर हमने बीच में डाले, चार्जेस के बीच में जो इंसुलेटर डाले वो उनको हम लोग डायलैक्ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको डायलैक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ एयर डाली, हमने यहाँ पे ग्लिसरीन डाला, हमने यहाँ वाटर डाला, जो भी चीजें डाली उनको क्या कहते हैं हम लोग डायलैक्ट्रिक बोलते हैं। पेपर डाल देंगे तो डायलैक्ट्रिक बोलते हैं। तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दिस के इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एक ही बात है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नाउ दिस डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सी, दिस इज के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड इट इज इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाई एफ एम ऑल्सो, तो के इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाई एफ एम, एक ही बात है, चाहे आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल दीजिए चाहे आप डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल दीजिए। डायलैक्ट्रिक में आगे आपको क्लियर कराऊंगा, डायलैक्ट्रिक वो मटीरियल्स होते हैं, एक्चुअल में डायलैक्ट्रिक्स हमारे जो नॉन पोलर मटीरियल होते हैं जैसे एयर हो गया, इस तरह के ये जो मटीरियल है इनको हम डायलैक्ट्रिक बोलते हैं, माइका पेपर तो उनको डायलैक्ट्रिक बोलते हैं। तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसके बराबर आ गया एफ अपॉन एफ एम, दैट इज इक्वल एप्सिलॉन आर, तो के तो वन होगा किसके लिए एयर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्हाट इज द कूलम्स लॉ फॉर इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम है एफ एयर इज इक्वल टू वन अपॉन, देर इज नो वन अपॉन, दैट इज वन अपॉन के इज देयर, तो के इज इक्वल टू वन, देन इट इज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इन सीजीएस सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसके लिए आपके बुक में टेबल है, तो आप उस टेबल को देखेंगे। जो मेटल होती है, मेटल का जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, मेटल्स का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, के दैट इज इनफाइनाइट। व्हाट डज इट मीन, मींस अगर मेटल्स होंगी तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, दो चार्जेस के बीच में अगर हम मेटल रख देंगे तो कोई फोर्स लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है इन्फिनिटी, एप्सिलॉन आर कितना है इन्फिनिटी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जितना हमारा के बढ़ेगा जितना एप्सिलॉन आर बढ़ेगा उतनी फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन ये तो इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी तो इसके बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगी, किसके बीच में, जब मेटल्स को बीच में रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये जो हमारी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल मींस इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, उसका नाम क्या है सेंट्रल फोर्स है, दिस इज द सेंट्रल फोर्स। दूसरा ये इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑब्वे करती है, इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑब्वे करती है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये भी आपको बताया जाएगा स्फेरिकली सिमेट्रिक है, क्या मीनिंग हुआ इसका, ये आपको बताया जाएगा स्फेरिकल सिमेट्रिक क्या होता है, और इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी और रिपल्सिव भी हो सकती है, रिपल्सिव ऑल्सो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है। तो दिस इज योर कूलम्स लॉ एंड परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, तो देयर इज अ न्यूमेरिकल इन योर बुक, तो इट इज माय एडवाइस यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने 8 ऑक्सीजन 16 लिखना था, वहां पे मैंने लिख दिया था 8 ऑक्सीजन 10 लिख दिया था, इट इज 16। एंड वन मिस्टेक मोर, मैंने एच प्लस ओ को कर ओ टू मीन्स एच टू और ओ टू होना है तब बनेगा एच टू ओ, क्योंकि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस में एग्जिस्ट करते हैं डाइमर, तो इस थोड़ी है इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा, तो दिस इज़ अवर हाफ ओ टू, इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे, दिस इज 8 ऑक्सीजन 16। थैंक यू।